अच्छा जी, पहुंच चुके हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदुस्सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इराक और शाम के लिए रवाना हो रहे हैं और इराक जाना है मैंने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कोरोना वगैरह के टेस्ट वगैरह करवाने हैं। वहाँ पर चल रहे हैं तो कज़न मेरा साथ है, ये मेरी थोड़ी सी हेल्प करेगा यहाँ पे सारे जो है ना कोरोना टेस्ट वगैरह जितने भी करवाने हैं उनके अंदर। कोरोना वैक्सीन मैंने लगवा रखी है, लेकिन फिर भी कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी है। अच्छा जी, लैब पहुंच चुके हैं तो अंदर चलते हैं, ये सुरंगी वाला का दर्द करते हैं, इससे पेन भी होता है थोड़ा सा, तो अंदर चलते हैं दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। ऊपर देखिए, अच्छा जी, खैरियत से कोरोना टेस्ट वगैरह करवा लिए, तो थोड़ा सा पेन हुआ था हल्का सा, लेकिन आंसू खुद ही खुद ही आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इस टाइम ऑफिस के अंदर आए हुए हैं कारवाने मुस्तफ़ा, तो हमने यहाँ पे सामान वगैरह देना था ज़ायरीन को। आप भी हमारे साथ ज़ियारत पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ये जी ऑफिस है और ये हमारे साथ दिलावर भाई ठहरे हुए हैं, सलार इस टाइम दिलावर भाई हैं और सब काफले को डील करेंगे। तो ये सामान वगैरह दिया जाते हैं जी, सबसे पहले पहले आपको एक बुक दी जाएगी और इसके अंदर ये पासपोर्ट और टिकट वगैरह के लिए बैग है और दूसरा सामान के लिए आपके, और ये साइड पर टिकट है तो ये टिकट भी आपको दी जाएगी। ये जी बैग ले लिया इन्होंने, सामान मिल गया सर आपको सारा। अच्छा चलो, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है और एयरपोर्ट पे ही मिलते हैं आपसे हैं। The next day, अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे पूरा आपको मनाजिर दिखाते हैं किस तरह होते हैं। तो ये बैग है एक मेरा और उसके बाद जो है ना ये वाला है। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का, तो यहाँ पर अंदर चलते हैं और अंदर के मनाजिर भी दिखाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। खैरियत से जो है ना एयरपोर्ट के अंदर वाले एरियाज के अंदर पहुंच चुके हैं, ऊपर मोहर वगैरह लगाते हैं, पासपोर्ट के ऊपर टिकट दिखाते हैं तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, मुकम्मल काफला पहुंच चुका है हमारा एयरपोर्ट के ऊपर और इस तरह के कार्ड वगैरह सबको तकसीम कर दिए गए हैं और उसके अलावा कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी दे दी गई है सबको, और उसके बाद जो कल नहीं आ सके टिकट लेने के लिए ऑफिस के अंदर, उनको यहीं पर टिकट वगैरह भी दी जा रही है। अच्छा जी, खैरियत से बोर्डिंग पास वगैरह जो है प्रोसेस वगैरह वो करवा लिए। जो ही आप एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते हैं तो पहले पहले आपका सामान वगैरह चेक किया जाता है, सामान चेक करने के बाद फिर आपको बोर्डिंग पास के लिए जाना पड़ता है, वहाँ पे बैग आप अपना जमा करवा देते हैं और उसके बाद वो एक आपको टिकट दे देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी सीट चाहिए, तो मैंने उनको कहा कि विंडो वाली सीट चाहिए, तो उन्होंने विंडो वाली सीट दे दी है। तो 12:50 पर हमारा प्लेन चलना है और अभी 11:30 या 12 के करीब हो रहे हैं। जब भी आप एयरपोर्ट के ऊपर आएँ तो बस यही ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पर
आप अपने बैग के ऊपर प्लास्टिक पेपर ज़रूर लगवा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब अमला शिफ्ट कर रहा होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ सामान गुम होने की इतला मिलती रहती है। तो ये पाकिस्तान क्या या पूरी दुनिया में इसी तरह चलता रहता है। जो एयरलाइन होती है वो ज़िम्मेदार तो होती है, लेकिन फिर उसके पास जाना आना वो थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप जो है ना 100 रुपये दे के प्लास्टिक बैग कवर लगवा दें दोनों तरफ से, तो इस मुश्किल से भी आप बच सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, इमिग्रेशन से स्टैंप लगवा लिया हमने और उसके बाद आप चलते हैं आगे की जानिब। ये सारा का सारा ड्यूटी फ्री एरिया है। अगर आप भी उम्रा या ज़ियारात पर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, एयरपोर्ट के ऊपर हमें सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सख्त देखने को मिली। चौथी बार सामान की चेकिंग करवाने के बाद फिर हम वेटिंग एरिया के अंदर पहुंच गए। थोड़ी देर हमने यहां पर इंतज़ार किया, फिर हमारी फ़्लाइट के बारे में अनाउंस किया गया और फिर हम उस गेट की जानिब चल पड़े जहां से हमने अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा जी, खैरियत से जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारा कज़न भी आ गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इसी पे होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम यहीं पे होते हैं सर। आपकी बड़ी मोहब्बत है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। हाँ बिल्कुल गपशप होगी। अस्सलाम वालेकुम। Excuse me. ये जी ज़ायरीन का सामान लोड किया जा रहा है। जितना भी ज़ायरीन का सामान होता है इस तरह लोड किया जाता है। फ्लाई बगदाद के अंदर इस टाइम हम बैठे हुए हैं और हमारी टिकट है फ्लाई बगदाद की।
बहुत ज़्यादा फीका होता है, और कावा मैंने पिया है वो तो उसके अंदर चीनी ही नहीं थी, तो फिर जो है ना मेरे को पिया नहीं गया। दोबारा ये कैचअप के साथ कुछ बेहतर लग रहा है। सुभान अल्लाह कहिए कि किस तरह खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, फ्लाई बगदाद के ऊपर पिछले एक घंटे से सफ़र कर रही है और पुरमन सफ़र हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी फ़्लाइट तकरीबन 4 घंटे की है और हम जाके नजफ शहर के अंदर पहुँचेंगे, और हमारे साथ काफ़िले के अंदर इस टाइम 60 लोग हैं और मुख्तलिफ काफ़िले के लोग हैं जो इस प्लेन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद आपको ये भी बताता चलूँ कि इनमें से 20 कुछ नसीब ऐसे होंगे जो हमारे साथ शाम तक चलेंगे, 40 लोग ऐसे हैं जो करबला तक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो आगे का सफ़र कंटिन्यू इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। तो फ्लाई बगदाद के अंदर फ़िलहाल लाइटें वगैरह ऑफ कर दी गई हैं ताकि जितने भी लोग हैं उन्होंने सोना है तो सो जाएँ। वाशरूम के अंदर आए हुए हैं इस टाइम, और छोटी सी वाशरूम है, इतनी बड़ी नहीं है। इस साइड में कमोड आपको देखने को मिलता है, और ये है आप बोलो ऑफ करो। तो वाशरूम इनकी बहुत छोटी सी होती है। फ्रेश हो चुके हैं, बेहतरीन हो गया जी, कमाल। और फ्लाइट भी बहुत अच्छी है, मतलब ये है कि उसके अंदर LCD वगैरह तो नहीं लगी हुई जो आपको मतलब एक्टिविटी कुछ कर सकें आप ऊपर आसमान के अंदर। सिग्नल वगैरह मोबाइल के नेटवर्क तो वैसे नहीं होता, तो इसीलिए जो है ना बस सुकून से रेस्ट करें आप फ्लाइट के ऊपर सफ़र करें। और ये पाकिस्तान के अंदर अब न्यू चलाई गई, मतलब पहले नहीं चलती थी ये, सिर्फ ज़ायरीन के लिए स्पेशल उन्होंने इराकी ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट किया, और वो ये फ्लाइट बगदाद फ्लाइट जो है ना वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अब चल रही है। तो इसके ऊपर सफ़र कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप। अच्छा जी, 4 घंटे के सफ़र के बाद अब नजफ शहर के अंदर हम पहुँच चुके हैं और लैंडिंग होने वाली है। तो अभी अनाउंस भी किया है कि लैंडिंग होने वाली है और हम नजफ शहर के अंदर पहुँच चुके हैं। तो नीचे आपको लैंडिंग दिखाते हैं, थोड़ा सा नीचे का व्यू भी दिखाते हैं। अच्छा जी, खैरियत से लैंडिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह नजफ एयरपोर्ट के ऊपर, 4 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं। सामान के लिए गाड़ी लग चुकी है और दोबारा सामान को लोड किया जाएगा इन छोटी छोटी रेडियो के ऊपर। अच्छा सर, खैरियत से नजफ के एयरपोर्ट के ऊपर जहाज से निकलते हुए, प्लेन बिल्कुल खाली है और बेहतरीन
तो लोग पता नहीं क्यों जल्दी करना शुरू कर देते हैं, तो आराम से निकलना चाहिए, खैरियत से आप पहुँच। अपना जहाज से उतर कर बस के अंदर पहुंच चुके हैं। कैसा रहा सर सफर आपका? बहुत सफर ठीक हो गया, लैंडिंग में थोड़ी सी हैं परेशानी होती है, गया ओवरऑल ठीक। इधर तो मोहब्बत का अंदाज देखिए आप। अच्छा जी, पासपोर्ट ले लिया है और उसके बाद वो कोरोना टेस्ट वो दिखाएंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा जी, कोरोना टेस्ट दिखाया और उसके बाद पासपोर्ट वगैरह उन्होंने देखा है, नाम वगैरह, तो उसके बाद उन्होंने इस हॉल के अंदर इंटर होने की इजाज़त दे दी है। ये जी स्मोकिंग रूम है, यहाँ पे आप स्मोकिंग कर सकते हैं। जहाज़ के अंदर क्योंकि इजाज़त नहीं होती स्मोकिंग की, तो यहाँ पर बाहर आसानी कर सकते हैं। और सब लोग पहुँच चुके हैं। पाँच से छः दिन का सफ़र हमने तय किया चार घंटे के अंदर। नजफ़ एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं, आगे क्या प्रोसेस रहता है कैसे रहता है वो आप मेरी देखिएगा अगली वीडियो के अंदर। जब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।